गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास 8th। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग खेत में चर रहा है और शेष का 3/4 पास में खेल रहा है, बाकी 9 तालाब का पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड कितनी हो जाएगी, एक्स हमने लेट किया। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग क्या बोला है हमें, जो हमारी टोटल डियर है उसका हाफ क्या हो जाएगी, ग्रेजिंग कर रही है, एक्स बाय टू। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितना हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसका क्या हो जाएगा, 3/4 दिया है हमें, ठीक है। तो 3/4 रिमेनिंग कैसे निकालेंगे हम, टोटल में से जो ग्रेजिंग कर रही है उसको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर ठीक है, कितना दिया है हमें, 9 दिया है। टोटल डियर इज इक्वल टू जो ग्रेजिंग कर रही है और जो प्लेइंग कर रही है और जो पानी पी रही है, ड्रिंकिंग वाटर ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस 3/4, x माइनस एक्स बाय टू तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम तो 2x माइनस एक्स, 2x में से x जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बाय टू प्लस 9 ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस 3x बाय 8 प्लस 9। अब हम x की वैल्यू को वन साइड कर लेंगे, x माइनस एक्स बाय टू माइनस 3x बाय 8 इज इक्वल टू 9। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 8, 8 का x में मल्टीप्लाई 8x माइनस 2 से 8 में डिवाइड 4, 4 का x में मल्टीप्लाई 4x माइनस 8 का 8 में डिवाइड 1, 1 का 3x में मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 9। 8x माइनस 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 8 इंटू 9। 8x में से 7x जाएंगे तो x इज इक्वल टू 72। नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड कितनी हो जाएगी, 72। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दादाजी अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं और उनसे 54 साल बड़े हैं, उनकी आयु ज्ञात कीजिए ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे हम, एक्स ईयर्स मान लेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या बोला है, जो ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 10 times क्या है, ग्रैंड फादर की एज है, 10x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या बोला है, जो ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर की एज से 54 more than हो जाएगी ठीक है। तो ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज 10x है इज इक्वल टू 54 more मीन्स प्लस करेंगे किस में, ग्रैंड डॉटर की एज में, 54 + x, 10x प्लस x था इक्वल के इधर आएगा माइनस x इज इक्वल टू 54, 10x में से x जाएंगे तो 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54/9, 9 × 9, 9 × 6 = 54, x इज इक्वल टू 6, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर 6 years, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर 10x, तो 10 × 6 इज इक्वल टू 60 years। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, 10 years एगो ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, 10 साल पहले वह अपने बेटे का 5 गुना था, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स ईयर्स, अब जो सन की एज है उसका 3 times अमन की एज है, तो सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन 3x years, 10 years एगो, एगो में क्या करते हैं पहले माइनस करते हैं, एज ऑफ सन्स वाज एक्स माइनस 10 years, एज ऑफ अमन्स वाज 3x माइनस 10 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोला है, जो 10 years जो पहले उसकी जो सन की एज है वो क्या हो जाएगी, सन की एज का 5 times क्या हो जाएगा, उसके फादर अमन की एज हो जाएगी ठीक है,
तो 3x माइनस 10, अमन की एज का 5, अमन की एज क्या होगी 5 टाइम्स हो जाएगी सन की एज का। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, माइनस 10 माइनस 50 इधर आएगा तो प्लस 50 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x इक्वल किधर आएगा तो माइनस 3x, 40 इज इक्वल टू 2x तो x इज इक्वल टू 20। प्रेजेंट एज ऑफ सन x इज इक्वल टू 20 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ अमन 3x, 3 इंटू 20 60 ईयर्स। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है, आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.5 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।